वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट इंसेक्ट। आज ग्रुप सी में एक मैच, बहुत अहम मैच खेला गया, वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जब फिर बॉलिंग चूज़ कर ली और जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने आया तो उसका टॉप ऑर्डर बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। उनके ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, सिर्फ जो थोड़ा सा रिजिस्ट किया, किसने किया, उन्होंने 12 बॉल फेस की और 17 रन बनाए और 3 चौके लगाए उन्होंने। 141 का स्ट्राइक रेट रहा। निकोलस पूरन, वो आज वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 में जो है ना, उन्होंने ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर भी बन गए हैं वो। अच्छा, अब उसके बाद आए रोस्टन चेस आए, वो भी डक पे, उन्होंने गोल्डन टक उनको मिली। अच्छा, पावल भी नहीं चल सके, मतलब कि टिम सूथी, फ्रैगनसन और नीशम, ट्रेंट बोल्ट ने चार्ल्स को आउट किया, मतलब उनके पेसर्स ने उनको टिकने नहीं दिया, वेस्ट इंडीज़ का जो टॉप ऑर्डर था। फिर क्या हुआ, फिर आए शर्फ एंड रदरफोर्ड, उनकी जो बैटिंग है ना, इसने बहुत ज़्यादा जो है इस मैच में जान डाल दी। 30 के स्कोर में जो वेस्ट इंडीज़ के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, फिर जो है आए हैं ना, जो शर्फ एंड रदरफोर्ड, उनकी जो बैटिंग थी बहुत काबिल तारीफ थी। उन्होंने 39 बॉल्स फेस किए हैं, उन्होंने 6 सिक्सेस लगाए हैं, 174 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और 39 बॉल्स पर उन्होंने 68 रन्स जो बनाए हैं। और बिल्कुल उनको नीचे से अकील हुसैन, उनके जो नीचे का जो टेल थी, उनसे भी सपोर्ट मिली है और तभी जो है शर्फ एंड रदरफोर्ड जो है उन्होंने 68 रन्स स्कोर किए। उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में कीवीज़ को बहुत चार्ज किया, उससे पहले तक समझें कि न्यूजीलैंड का अपर हैंड था और वो पूरे मैच में मतलब कि डोमिनेट करते कर रहे थे, उनकी डोमिनेंस थी। लेकिन इन आखिरी 2 ओवर्स जो वेस्ट इंडीज़ के जो इस रदरफोर्ड ने खेले हैं, बहुत खूबसूरत खेले हैं और वो एकदम से प्रॉब्लम कर गया कीवीज़ के लिए, उन्होंने इतने रन्स लीक किए। लेकिन नीचे से जो है उनको छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आए, जैसे अकील हुसैन के 15 रन्स थे, एंड्रू रसल के 14, रोमारियो शेपर्ड के 13, फिर अल्जारी जोसेफ के चले वो 6 थे। लेकिन ये जो छोटी छोटी तो 3 कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, ये भी 30 से 40 रन्स तकरीबन, मतलब के नियर टू 50 रन्स ये भी ऐड हुए, फिर उनके भी ऐड हुए, इस तरह 149 रन्स का टोटल उन्होंने कीवीज़ को दे दिया। अगर बॉलिंग के देखा जाए, टिम सूथी, ट्रेंट बोल्ट, इन सब ने, आपको पता है कि ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। जो ट्रेंट बोल्ट है, उन्होंने 3 विकेट्स लिए, बहुत अच्छी सिर्फ 4 की एवरेज दी है, मतलब कि एक ड्रीम स्पेल किया है उन्होंने, एक मेडिन भी ट्रेंट बोल्ट ने कराया। टीम सूथी उनका भी अच्छा रहा, उन्होंने 2 प्लेयर्स को आउट किया है, 5 की एवरेज दी है। लॉकी फ्रैगसन, उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। मतलब आज का दिन जो है ना, न्यूजीलैंड के कीवीज के जो है ना पेसर्स के ही नाम था, सिर्फ स्पिनर जो है कि उनका मिचेल सैंटनर है, उन्होंने एक आउट विकेट ली है। उसके बाद जब कीवीज़ की तरफ से बैटिंग करने आए हैं, उनके जो बैट्समैन है, जो डेविड कन्वे हैं, वो नहीं चल सके। फिन एलन, उन्होंने 26 बनाए। फिर नीचे रचिन रविंद्रा, वो भी नहीं चल सके। फिर नीचे से ग्लेन फिलिप्स हैं, लेकिन उन्होंने 33 पे 40 रन्स बनाए। आप देखें उन्हें जो ज़्यादा, जो जिस चीज़ ने ज़्यादा डिफरेंस पैदा किया, वो आप देखें कि रदरफोर्ड ने 39 बॉल्स पे 68 रन्स बनाए, लेकिन उन्होंने एंड पर जाके हिटिंग की। आखिरी 2 ओवर्स में जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 37 स्कोर्स किए गए, आप बताएं कि उस उन्होंने बहुत, मतलब कि कमाल है कि आखिरी 12 डेथ ओवर्स में उन्होंने चार्ज किया कीवीज बॉलर को। लेकिन यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सिर्फ एक ग्लेन फिलिप्स थे जोड़ा, जो उनकी थोड़ी इनिंग जो 260 पे लगाए, 121 का स्ट्राइक रेट रहा। बाकी न्यूजीलैंड की तरफ से नीचे से उनके जो स्पिनर नेशम भी नहीं चल सके, तो किसी ने 10 रन्स बनाए, ज़्यादातर कुछ प्लेयर्स मतलब कि 10-10 रन्स बनाए उन्होंने। रचिन रविंद्रा देख लें, नेशम देख लें, फिर उधर से एंड से फिर ट्रेंट बोल्ट ने 7 रन्स बनाए। मतलब कि सिर्फ एक जो अच्छी इनिंग आई सिर्फ ग्लेन फिलिप्स की, वो एवरेज इनिंग में आएगी कि 33 पे 40 पर ठीक है, वो रुक के खेल रहे थे। अगर नीचे से उनको सपोर्ट थोड़ी सी मिली है, मिचेल सेटनर ने आके थोड़ा सा वो किया है, लेकिन वो उसके बाद वो भी नहीं, इतना डिफरेंस तो नहीं ना। 21 हाईएस्ट स्कोर जो था 40 था, उसके मिचेल सैंटनर ने किया। उससे जब इनिंग शुरू हुई,
तो उससे बेहतर लग रहा था, जब वेस्ट इंडीज ने जो किया था ना उससे बेहतर था, लेकिन इनके भी 54 पर 4 आउट हो गए थे, 60 पे इनकी भी आधी टीम बाहर जा चुकी थी। और ग्लेन जो फिलिप्स हैं उन्होंने 108 तक रिजिस्ट किया, और उसके बाद जो है मिचेल सेंटनर हैं उन्होंने थोड़ी कोशिश की और वो नॉट आउट गए। अगर उनको नीचे से थोड़ी सपोर्ट मिल जाती तो शायद ये कीवीज के हक में फैसला चला जाता। वेस्टइंडीज़ की तरफ से उनके जो एक गुटकश मोटी है वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है स्लो आर्म के, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किए, थोड़े रन्स में ठीक है ऑलमोस्ट 6 की एवरेज दी है। और जो अल्जारी जोसेफ है उनके पेसर हैं, उन्होंने 4 आउट किए हैं, अकील हसन ने 1 आउट किया है, एंड्रू रसल ने 1 आउट किया है। तो बाकी ये है कि जो ये नाम उनके पेसर अल्जारी जोसेफ और गुटकश मोटी जो हैं उनकी तरफ, जो उनके स्पिनर हैं वो और डॉग स्पिनर उनको कहा जाता है, उनका जो बॉलिंग स्टाइल है अच्छी बॉलिंग की जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और उन्होंने इस टोटल को डिफेंड कर लिया। अच्छा, इस मैच के साथ ही और न्यूजीलैंड जो है 13 रन से हार गया है। अब थोड़ा सा ये सी ग्रुप है, इसको देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन सी टीम्स हैं और आगे किसका क्या चांस है। वेस्ट इंडीज़ ने अपने 3 मैच खेले हैं और वो तीनों जीत गया, उसके 6 पॉइंट्स हैं। वेस्ट इंडीज़ ने अपना जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। दूसरी टीम है इस सी ग्रुप में अफगानिस्तान, इसने अपने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों जीत चुका है और 4 पॉइंट है। अब अफगानिस्तान का एक मैच रहता है वर्सेस PNG पपुआ न्यू गिनीज, इनके खिलाफ अफगानिस्तान का एक मैच रहता है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान ने अभी एक दूसरे के साथ खेलना है, वेस्ट इंडीज़ आगे जा चुका है। अफगानिस्तान अपना अगला एक मैच भी जीतता है तो उसके 6 पॉइंट्स होंगे तो अफगानिस्तान भी आगे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद युगांडा है, उसने 3 मैच खेले हैं और उन एक जीता है और 2 मतलब कि वो हार चुका है। इन्होंने भी PNG के खिलाफ जो है युगांडा अपना एक वाहिद मैच जीता है, बाकी वो सबसे हारा है, अफगानिस्तान से भी हार गया है, वेस्ट इंडीज़ से भी हार गया है। ठीक है, अब उनका एक मैच रह गया है वर्सेस न्यूजीलैंड। इस तरह युगांडा के अपने 3 मैचेस में से एक जीता है, ठीक है, वो PNG के खिलाफ है और अब उनका एक मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रहे। PNG के सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, वर्सेस अफगानिस्तान और वर्सेस न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान अगर PNG को मार देगा तो ऑफ कोर्स एक सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, अफगानिस्तान भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अब न्यूजीलैंड के सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं, वो आसान टीमों के हैं, उम्मीद है कि दोनों को मार लेगी न्यूजीलैंड, वो है जो गेंडा और PNG। अगर ये दोनों मैचेस जीतता है न्यूजीलैंड तो उसके होंगे 4 पॉइंट्स, ठीक है, अगर दोनों जीत जाएगा। अफगानिस्तान के अभी 2 मैचेस रहते हैं, अफगानिस्तान के अभी 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, तो अब सिर्फ इन दोनों का ही, बड़ी टीमें यही हैं युगांडा या जो पपुआ जो है गिनीस, उसको तो बिल्कुल PNG को जो है हम बिल्कुल नहीं रेट कर सकते कि ये दोनों आगे क्वालिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं। तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, अब अफगानिस्तान को सिर्फ एक मैच और जीतना है तो वो वेस्ट इंडीज़ के, वैसे उनके 2 मैचेस बाकी हैं लेकिन वो एक मैच भी और जीत गया तो उसके 6 रन हो गए तो वो वेस्ट इंडीज़ के साथ अगले ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई कर लेगा। एक अफगानिस्तान का मैच पपुआ न्यू गिनीज के अगेंस्ट है और एक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, समझे ग्रुप टेबल पे कौन टॉप करेगा। उम्मीद तो है कि पपुआ न्यू गिनीज जो है अफगानिस्तान को मार ले जो है कल के दिन, कल सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो मैच है, और फिर समझे कि अगर एक भी 2 पॉइंट ले लिया तो अफगानिस्तान तो आगे चला ही जाएगा। फिर वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के मैच की इतनी इंपॉर्टेंस रह जाएगी कि ग्रुप टेबल पर कौन टॉप करेगा और उसका फिर अगले सुपर 8 में किसके साथ मैच पड़ेगा। तो ये है, तो बाकी न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैच अगले जीतता भी है जो आसान टीम्स हैं तो उसके हो जाएंगे 4 पॉइंट्स, और अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हार भी जाता है तब भी मुझे लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मारा हुआ है, तो मुझे तो ये लगता है कि हर हाल में अफगानिस्तान आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और न्यूजीलैंड का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, लगता तो ऐसे ही है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही एक अकॉर्डिंग टू मतलब पॉइंट टेबल के मुताबिक, अगर अगले दोनों मैच अफगानिस्तान हारे और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस जीते, फिर भी मुझे यही है कि वो, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मारा हुआ है
उनको हराया हुआ है और उनकी जो एवरेज है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, तो तब भी मुझे लगता है अफगानिस्तान ही आगे जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर जब सामने टेबल ऐसा हो तो हो, मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान में, क्या पता वेस्ट इंडीज़ मार ले अफगानिस्तान को, पर पपुआ न्यू गिनीज जो है PNG, उससे अफगानिस्तान किसी हाल में अपने, आपको पता है कितनी इम्प्रूव टीम हो चुकी है अफगानिस्तान, मेरी बहुत फेवरेट टीम है। और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को इतने सालों में भी इतनी, उन्होंने उनको टेस्ट नेशन का वो मिला हुआ है, उन्होंने हासिल किया हुआ है, उसके बावजूद बहुत पहले टेस्ट नेशन बनी है बांग्लादेश, उसके बावजूद उन्होंने इतना इम्प्रूव नहीं किया जितना अफगानिस्तान में ने इन सालों में एकदम अपने आप को बहुत उठाया और इम्प्रूव किया। और वैसे भी ये हमारे दिल के बड़े करीब हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट अफगानी प्लेयर्स ने हमारे पाकिस्तान में सीखी है, यहीं पे वो आकर सीखते रहे हमारी एकेडमीज़ में। तो ये जिस जब अफगानिस्तान की जीत होती है तो अक्सर ऐसे लगता है कि हम ही जीते हैं। तो पपुआ न्यू गिनीज वाला मैच मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान बिल्कुल भी हाथ से जाने देगा कल, और वर्सेस वेस्ट इंडीज़ तो शायद हो जाए, लेकिन अगर दोनों अगले मैच अफगानिस्तान हार भी जाए तो फिर भी उसके चांसेस, मतलब कि 80-90% चांसेस अफगानिस्तान टीम के ही आगे जाने के हैं। अगर न्यूजीलैंड जीत जाए और अफगानिस्तान दोनों मैचेस हार जाए तब भी अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। अब दूसरे जो ग्रुप्स हैं उसका भी मैं इसी तरह आपको थोड़ा सा एनालिसिस देती रहूँगी। और जो पाकिस्तान का मैच है वर्सेस आयरलैंड, वो फ्लोरिडा, उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में।